王相博士可是मूवी की शुरुआत में शाओलिन टेंपल को दिखाया जाता है जहां एक छोटा सा लड़का साधु की जिंदगी बिता रहा होता है। एक तुसा बच्चा और साधु, ऐसा भी होता है दोस्तों। खैर, इस नन्हे मुन्ने साधु का प्यारा सा नाम है शी और आज इसका कोई टेस्ट है, इसीलिए वो बुद्ध भगवान से प्रार्थना करके लौट रहा होता है। तब उसका एक सीनियर हवा में उड़कर उसको अटैक करने आता है और शायद यही उसका टेस्ट भी है। उस कमरे में एक अगरबत्ती जल रही होती है और उसके बुझने से पहले शी को अपना टेस्ट पूरा करना होगा। शुरू में तो शी बार बार झुककर उस सीनियर के अटैक से बच जाता है, लेकिन जब सीनियर को अटैक करने की उसकी बारी आती है तो वो पहले उसको सॉरी कहता है और हवा में घूम घूम कर सीनियर पर किक्स की बरसात कर देता है। पलक झपकते ही वो सीनियर पर एक बड़ा बास्केट डालकर उसको लॉक कर देता है। फिर वो बांस की लंबी लकड़ी निकालता है और दूसरे सीनियर को अटैक करता है। अभी सीनियर के पास एक नहीं दो तलवारें हैं। वो दोनों तलवारों से शी की लकड़ी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है शी डिफेंस में भी माहिर है और वो अपनी लकड़ी को घुमा घुमा कर सीनियर की दोनों तलवारें नीचे गिरा देता है और इस तरह दूसरा सीनियर भी हार जाता है। अब आखिर में एक सुपर सीनियर साधु उससे मुकाबला करता है। वो एक सीप फेंकता है जो दीवार से टकराकर वहाँ के आईने को घुमा देता है। सूरज की रोशनी इस आईने में लगकर सीधे शी की आंखों में लगती है और उसे जलन भी होती है, लेकिन उसे भी सहन करके वो छड़ी लेकर भागता है। तभी सुपर सीनियर एक छलांग मारकर शी को उठाकर फेंकता है। शी इस सुपर सीनियर से भी हार नहीं मानता। सुनिए सुपर सीनियर जी, मुझे आपका टकला सर बहुत पसंद आया। ये कहकर शी उसे डाइवर्ट करता है और उसकी छाती पर एक तगड़ा किक मारता है और फोर्स के कारण वो पिलर पर जाकर टकराता है और ठीक उसी वक्त अगरबत्ती बुझ जाती है और इस तरह शी इस टेस्ट में पास हो जाता है और इसी खुशी के साथ वो सर उठाकर बाहर चला आता है। इस टेस्ट में उसको 88% मार्क्स मिले थे। उसके मार्क्स देखकर गुरुजी कहते हैं कि और दो मार्क्स ले आते तो कितना अच्छा होता, उस जमाने में तो मेरे 90% मार्क्स आए थे। अब दरअसल 3 साल की उम्र में शी के माता पिता उसको छोड़कर यहाँ गए थे और 4 साल से शी यहीं पर पल रहा है। फिर उसके गुरुजी उसको आगे पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेजते हैं और साथ ही उसे एक रिकमेंडेशन लेटर भी देते हैं। शी बहुत ही खुशी से लेटर ले लेता है और भागकर बस में चढ़ जाता है। अब शी शहर जाने वाला है। अगले शॉट में एक 15 साल के लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम लिन है। ये स्कूल के टेकोंडो क्लब का चीफ है और टेकोंडो फाइट में बिल्कुल एक्सपर्ट भी है। नाम सुनकर घबराइए मत, टेकोंडो भी कराटे जैसा एक मार्शल आर्ट है। इस क्लब की मैनेजर जिया नाम की एक खूबसूरत लड़की है। लिन की छोटी बहन और जिया का छोटा भाई इसी स्कूल में 4th क्लास में पढ़ते हैं। क्लब की मैनेजर होने के नाते वो लिन की फाइट वीडियोस को देखकर उसे इम्प्रूव करने की टिप्स देती रहती है। ये सारा तमाशा देखते हुए उसका गोल मटल भाई स्नैक्स खा रहा होता है। तब उसका पिता वीडियो कॉल करता है। वो एक बहुत ही बिजी साइंटिस्ट है और ज्यादातर लैब में ही रहता है और इस बात को लेकर जिया बहुत ही नाराज होती है। पिता हमेशा लैब में काम करता रहता है और जिया ही अपने छोटे भाई की देखभाल करती है। अब कॉल में जिया का पिता कहता है कि मैंने एक पार्सल भेजा है जो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट आविष्कार है, तुम्हें उसको संभाल कर रखना होगा। तब कोई दरवाजा खटखटाता है। जिया दरवाजा खुलकर देखती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर वो जरा नीचे देखती है तो छोटा शी वहाँ खड़ा होता है। उसके गुरुजी ने उसे इसी एड्रेस पे जाने को कहा था। अब शी की जिम्मेदारी भी जिया पर आ जाती है। जिया को देखते ही शी प्रणाम दीदी कहकर बड़ी इज्जत से नमस्ते करता है और जिया इम्प्रेस होकर उसको अंदर ले आती है। उसी वक्त लैब में कुछ गुंडे घुसकर जिया के पिता को मारने लगते हैं, लेकिन जिया ये सब नहीं देख रही होती है। गुंडों का बॉस उससे खिलौने के बारे में पूछता है, लगता है वो बहुत ही कीमती खिलौना है। तब वे लैब के सीसीटीवी फुटेज को देखकर जान जाते हैं कि उसने किसी को एक पार्सल भेजा था और ये जानकर बॉस अपने 2 आदमियों को उस पार्सल की तलाश में भेजता है। यहाँ जिया अपने भाई के कमरे में शी को भी जगह देती है। फिर वो लिन का फाइट वीडियो देखने चले जाती है। तब शी भी वहाँ आकर वीडियो देखने लगता है। उसे टेकोंडो बहुत ही नया लगता है। इतने में पार्सल की तलाश करते हुए वो 2 गुंडे जिया के घर पहुँच जाते हैं। जब घर के लोग बाहर चले जाएंगे तब हम पार्सल उठा लेंगे, ये सोचकर वे बाहर वेट करने लगते हैं। अब घर में जिया का भाई चिल्लाता हुआ वीडियो गेम खेल रहा होता है। शी उसी कमरे में एक लकड़ी को जमीन पर मारकर ध्यान कर रहा होता है और दोनों की आवाजें एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रही होती हैं, लेकिन कुछ ही देर में दोनों मिलकर चिल्लाते हुए वीडियो गेम खेलने लगते हैं। फिर जिया वहां आकर उन्हें डांटती है कि इस तरह दोनों चिल्लाते रहोगे तो मैं काम कैसे करूंगी, चलो गेम बंद करो और दोनों चुपचाप सो जाओ। अब दीदी की बात मानकर दोनों अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। फिर जिया अपने पिता का पार्सल खोलती है, उसमें एक छोटा सा पांडा बियर होता है। जिया उसका स्विच ऑन करती है तो पांडा पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। जिया नाम बताती है तो वो जिया का वॉइस वेरीफाई करता है और कंफर्म करके पासवर्ड सेट करने को कहता है। अब जिया कंफ्यूज होकर पूछती है कैसा पासवर्ड, लेकिन पांडा इसे ही पासवर्ड समझकर सेट कर देता है। जिया के पिता ने एलेक्सा जैसी एक एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें सेट की होती है जो सिर्फ जिया की आवाज से ही चल सकती है। अब इतना ही नहीं, उसके पिता ने पांडा में जिया की माँ की आवाज सेट की होती है। जिया की माँ कुछ साल पहले गुजर गई थी,
पांडा को माँ की आवाज में बोलते देख जिया बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है मॉम आई मिस यू। पांडा से जवाब आता है आई मिस यू टू जिया। अगली सुबह जिया दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल लेके जाती है, तब गुंडे उन्हें बाइनोकुलर से देख रहे होते हैं। पांडा बियर्ड जिया के बैग से किचन की तरह लटक रहा होता है, तब दोनों में से एक बेवकूफ गुंडा पांडा को चुराने जाता है। स्कूल के रास्ते में ये तीनों लिन और उसकी बहन से मिलते हैं। लिन जिया को लंच बैग देता है और बदले में जिया उसको फाइटिंग के टिप्स देती है कि तुम्हें इस तरह डिफेंस करना चाहिए, ऐसे मूव करने चाहिए वगैरह वगैरह। अब सच तो यह है कि जिया को लिन पर क्रश है और बड़े प्यार से उससे बातें करती है। फिर वो शी को उससे इंट्रोड्यूस करवाती है, तब वो गुंडा धीरे से आकर पांडा को चुरा ले जाता है। लेकिन शी उसको देख लेता है और लगातार कई समरसॉल्ट्स करके उसको मार गिराता है, और ये देखकर लिन को शी के अंदर का फाइटर नजर आता है। फिर वो उस गुंडे को एक तगड़ा किक मारता है और पीछे से शी उस पर अटैक करता है। अब इस तरह दोनों तरफ से मार खाकर वो बेवकूफ नीचे गिर जाता है। डर के मारे वो लिन को पांडा तो दे देता है, लेकिन चालाकी से उसे खींचकर भाग जाता है। अब शी और लिन उसको चेज करते हैं और बिल्डिंग पर जंप करके दोनों तरफ से लॉक कर देते हैं। अब इनसे बचने के लिए वो नीचे कूद जाता है और जिया उसे एक कचड़े के ड्रम में फेंक देती है। जिया का भाई उससे पांडा छीन लेता है और ड्रम को सड़क पर लुढ़का देता है। गुंडा इन लोगों से कहता है कि पूरा परिवार लड़ाकों से भरा हुआ है तो हम गुंडे अपना धंधा बंद कर दे क्या, और ये कहकर वो भाग जाता है। अब अपना पांडा वापस लेकर जिया बहुत ही खुश हो जाती है। अब शी अपनी क्लास में जाता है और टीचर स्टूडेंट से कहती है कि ये शी है और ये मामूली स्टूडेंट नहीं है बल्कि शाओलिन टेम्पल का एक साधु है। और ये जानकर स्टूडेंट उसे सवाल करने लगते हैं कि क्या तुम बॉक्सिंग जानते हो या फिर कुंफू जानते हो, क्या तुम भविष्य में शादी करोगे, ऐसे ऐसे सवाल करके उसको कंफ्यूज कर देते हैं। उसी शाम को पीटी पीरियड में शी स्कूल ग्राउंड में होता है। अब इस स्कूल में हर साल बच्चों का फिजिकल फिटनेस चेक किया जाता है, जो इसमें पास होगा वही दूसरा एग्जाम दे पाएगा। अब यहाँ पॉज करके सोचिए कि क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम भी ऐसी होनी चाहिए। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई और मार्क्स पर फोकस करने के बजाय अगर बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत पर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो वे अपनी पूरी काबिलियत के अनुसार अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्या अभी ऐसा मानते हो? अपना ओपिनियन कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पीटी पीरियड में भी जिया का भाई मुंह में स्नैक्स दबा रहा होता है। सबसे पहले रनिंग रेस होती है, इससे पहले कि दूसरे बच्चे आधा डिस्टेंस कवर कर पाते हैं अपना शी पूरा फील्ड कवर कर देता है। फिर पुशअप्स की बारी आती है जिसमें सभी दोनों हाथों से पुशअप्स कर रहे होते हैं, लेकिन शी एक ही हाथ से और वो भी उल्टा खड़ा होकर सारे पुशअप्स आसानी से कर लेता है। और ये देखकर लिन की बहन बहुत ही इंप्रेस हो जाती है। फिर हर्डल्स रेस होती है और शी को कॉपी करके जिया का भाई भी हर्डल के ऊपर से छलांग मारता है और धड़ करके नीचे गिरता है। दूसरी ओर गुंडों के बॉस ने साइंटिस्ट को बांध कर रखा होता है, जब तक मुझे पांडा नहीं मिलेगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये कहकर वो साइंटिस्ट को धमका रहा होता है। लेकिन उसके बेवकूफ आदमी पांडा को ढूंढने के बजाय रोज नया बहाना ढूंढ रहे थे। यहाँ स्कूल में शी जिया के भाई से कहता है मैं तुम्हें रोज ट्रेनिंग दूंगा और तुम आसानी से फिजिकल फिटनेस टेस्ट को पास कर सकोगे। यूं ही बातें करते हुए वे स्कूल स्टेडियम की ओर जाते हैं। वहाँ लिन प्रैक्टिस कर रहा होता है और शी का बड़ा मन करता है कि वो भी लिन के साथ फाइट करे। उस रात वो दोनों गुंडे फिर अपनी कार में जिया के घर के बाहर वेट कर रहे होते हैं। एक आदमी पिछले दिन बच्चों से पिट चुका था और बैंडेज लिपट कर बैठा होता है। अब दूसरा गुंडा घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर की कांटीली झाड़ियों में गिरकर घायल हालत में लौट जाता है। घर में शी ली का फाइटिंग मेथड प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी दोनों जोकर गुंडे अंदर आते हैं। उन्हें आते देख शी छुप जाता है और चीजें उधर उधर फेंक कर उनको कंफ्यूज करता है। फिर बाहर निकाल कर उनके मुंह और पेट पर बारंबार किक करता है। आवाज सुनकर जिया नीचे आती है और दोनों गुंडे वहाँ पड़ा हुआ कोई पुराना पांडा उठाकर भाग जाते हैं। अब जिया के आते ही शी कहता है दीदी यहाँ वो चोर आए थे लेकिन मैंने अकेले उन्हें मारकर भगा दिया। अब जिया उसकी बात को मजाक समझ कर कहती है बहुत कहानी हो चुकी है चल अब सो जा, और ये कहकर वो ऊपर चले जाती है। यहाँ गुंडों का बॉस टेंशन में होता है क्योंकि ये दोनों गधे जो खिलौना लाए थे वो बिल्कुल नकली था, वो साइंटिस्ट का बनाया पांडा नहीं था, वो मार्केट का कोई सस्ता सा पांडा था। और बॉस गुस्से में अपने आदमियों को लिटाकर उनके मुंह में गोल्फ बॉल डाल देता है और कहता है कि अगर 3 दिन में मुझे वो ओरिजिनल पांडा नहीं मिला तो मैं गोल्फ स्टिक से तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगा। अब दोनों आदमी फिर से पांडा को ढूंढने निकलते हैं। अगले दिन शाम को शी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्टेडियम में बैठा होता है, तब ली की बहन कहती है यार मुझे बड़े होने से बहुत डर लगता है, बड़ी होकर मैं भी उस दीदी की तरह बदसूरत हो गई तो। अब ये कहते हुए वो दो लड़कियों की तरफ इशारा करती है। सच में वे दोनों वही गुंडे हैं जो पांडा चुराने की कोशिश कर रहे थे, शी भी उन्हें पहचान नहीं पाता। सभी लोग लिन की फाइटिंग एंजॉय कर रहे होते हैं। लिन की बहन बहुत ही शो ऑफ करती है कि मेरे भाई को कोई नहीं हरा सकता, अगर किसी में हिम्मत है तो वह उससे लड़कर दिखाए। फिर वो शी को चैलेंज करती है कि तुम तो कुंफू में माहिर हो ना, मेरे भाई से लड़ोगे, और लिन भी चैलेंज के लिए मान जाता है। अब लिन और शी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, सारे बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर फाइट देखने के लिए आगे आते हैं। लेकिन लड़कियों के भेस में लास्ट रो में बैठे हुए गुंडे जिया के बैग को घूर रहे होते हैं, और इसी बीच शी और लिन के बीच शानदार लड़ाई चल रही होती है। तब दोनों गुंडे पांडा को बैग से अलग करने की कोशिश करते हैं, और शी और लिन फाइटिंग में एकदम बराबर के खिलाड़ी होते हैं और मैदान में दोनों अपनी काबिलियत दिखा रहे होते हैं। इस वजह से हार और जीत के बजाय मैच ड्रॉ हो जाता है। तब संयोग से जी का भाई उन गुंडों को देख लेता है और जोर से चिल्लाता है, और दोनों गुंडे
पांडे अपनी विग उतार कर पांडा को लेकर वहां से भाग जाते हैं। वहां के सारे बच्चे उन दोनों का पीछा करते हैं और पूरा स्टेडियम तहस नहस हो जाता है। एन वक्त पर पीटी सर वहां आकर सबको डांटने लगता है और उसी गैप में वो दोनों गुंडे भाग जाते हैं। अगले दिन पीटी सर की मदद लेकर जिया उन गुंडों पर पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाती है कि उन लोगों ने उसका कीमती खिलौना चुरा दिया है। अब शी की क्लास टीचर उससे कहती है, देखो बेटा, माना कि तुम कुंफू जानते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा लड़ाई करते रहो। और टीचर की ऐसी वार्निंग को सुनकर शी जरा गिल्टी फील करने लगता है और सोचता है कि अगर मैंने उस वक्त लड़ाई नहीं की होती तो पांडा कहीं नहीं जाता। इस तरह वो मायूस होकर क्लास की बेंचेस के पीछे जाकर बैठ जाता है। तब उसके साथ ही उसको दिलासा देते हैं। जिया कहती है, शी तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर उस पांडा को ढूंढ निकालेंगे। तब जाकर बेचारा शी का चेहरा थोड़ा खिल जाता है और वो अपने चारों साथियों के साथ मिलकर स्टेडियम को साफ करने लगता है। अब इसी बीच गुंडों का गैंग अपना दूसरा प्लान तैयार करता है। यहाँ लिन शी को टैकोंडो आर्ट सिखाने लगता है और उसी वक्त वहाँ गुंडों का बॉस पांडा से पेन ड्राइव बाहर निकालता है। फिर उस पेन ड्राइव का एक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में कॉपी करता है और इसे एक सॉफ्टवेयर की कीमत लगभग 100 करोड़ होती है। सॉफ्टवेयर 100% डाउनलोड तो हो जाता है, लेकिन अब पासवर्ड के बिना उसको खोल नहीं पाता। और रात भर अपना सर पटक पटक कर गुंडे हर तरह के पासवर्ड टेस्ट करते हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं करता। अब सुबह होने लगती है लेकिन उनको करेक्ट पासवर्ड नहीं मिलता। बॉस अब टेंशन में आकर बड़बड़ाने लगता है कि वो कैसा पासवर्ड होगा, कैसा पासवर्ड होगा। और वो ये नहीं जानता कि कैसा पासवर्ड ये सॉफ्टवेयर का पासवर्ड है जो जिया ने अनजाने में सेट कर दिया था। अब टेंशन में वो साइंटिस्ट को पीटने लगता है और पूछता है, बताओ कि इसमें तुमने किसकी आवाज से पासवर्ड सेट किया है, उस आवाज के बिना ये सॉफ्टवेयर नहीं खुलेगा, बता दो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन साइंटिस्ट अपना मुंह नहीं खोलता। तब साइंटिस्ट को उसकी बेटी जिया का वॉइस मैसेज आता है कि पापा आज रात मेरी बर्थडे पार्टी है, कम से कम आज तो घर आ जाइए। अब बॉस कहता है कि मुझे लगता है तुमने अपनी बेटी के वॉइस में ही पासवर्ड सेट किया होगा, तुम्हारे बदले मैं तुम्हारी बेटी की पार्टी में चला जाऊंगा। और ये कहकर वो साइंटिस्ट के फोन से जिया को मैसेज करता है कि जरूर आऊंगा बेटी। फिर वो फोन लेकर निकल जाता है। यहाँ जिया के साथ ही उसके लिए गिफ्ट खरीद रहे होते हैं। तब लिन की नजर पांडा वाली की चेन पर पड़ती है जो उसे जिया के खोए हुए पांडा की याद दिलाते हैं। घर में जिया पार्टी की तैयारी कर रही होती है, तब उसे उसके पिता का मैसेज आता है कि बाहर आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। और वो खुशी खुशी बाहर आती है, लेकिन गुंडे उसको किडनैप कर लेते हैं। अब एन वक्त पर उसके साथ ही आ जाते हैं और उसके पीछे भागते हैं। एक टकला गुंडा उन्हें मारता है और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। शी और लिन साइकिल में उस गाड़ी का पीछा करते हैं और जिया का भाई भी उनके पीछे हाँपता हुआ भाग रहा होता है। ली की बहन पुलिस को कॉल करके बताती है कि गुंडे मेरे दोस्त की दीदी को उठा ले गए हैं। उसके अलावा अब जिया के बाकी साथी साइंटिस्ट की लैब में पहुंच जाते हैं। वहां बॉस से कीमती सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए एक व्यापारी आया होता है। तब गुंडे जिया को वहां ले आते हैं और डर के मारे वो चिल्लाने लगती है। उसकी गर्दन पर चाकू रखकर बॉस उसको धमकाता है कि चुपचाप अपनी आवाज में सॉफ्टवेयर का पासवर्ड बोल दे। लेकिन जिया कहती है, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि वो कैसा पासवर्ड है। और कैसा पासवर्ड, ये दोनों शब्द उसकी आवाज में सुनकर सॉफ्टवेयर अनलॉक हो जाता है। तब जाकर सबको पता चलता है कि कैसा पासवर्ड पासवर्ड है। इस बेकार से पासवर्ड के लिए लोग रात भर सर पटक रहे थे। अब जिया का भाई पुलिस को फिर से फोन करके इन गुंडों की लोकेशन बताता है। तब एक गुंडा मूत्र विसर्जन करने उस तरफ जाता है और लिन एक किक में उसको फ्लैट कर देता है। दूसरी ओर शी एक गुंडे को मार गिराता है। तब जिया का भाई छुपते छुपाते अंदर घुसता है और बॉस उस सॉफ्टवेयर को बेचने की तैयारी कर रहा होता है। तब टकला और गुंडा आदमी बाहर निकलता है और उसे अटैक करने के लिए लिन तैयार खड़ा होता है। जिया का भाई अंदर जाकर एक बहुत ही स्मार्ट काम करता है। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए व्यापारी ने कंप्यूटर में बॉस का नाम और अकाउंट नंबर सेट कर दिया होता है और उसे पैसे ट्रांसफर करने वाला होता है। तभी जिया का भाई दबे पांव वहां जाकर बॉस के अकाउंट नंबर की जगह एक अनाथ आश्रम का अकाउंट नंबर डाल देता है, लेकिन इस बात से अनजान व्यापारी एंटर प्रेस कर देता है और पूरे पैसे आश्रम में चले जाते हैं, पूरे 100 करोड़। बॉस अब टेंशन में हो जाता है कि अरे माल अब तक क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ। इतने में वो जिया के भाई को देख लेते हैं और उसके कान खींचकर लेके आते हैं। तभी शी आगे के दरवाजे से अंदर आता है और व्यापारी के बॉडीगार्ड्स को मार मार कर फ्लैट कर देता है। इसी बीच जिया और उसका भाई अपने पापा के हाथ खोल देते हैं। इन सब के बीच व्यापारी उस सॉफ्टवेयर को किसी भी तरह चुराने की कोशिश करता है और पैसे ट्रांसफर न होने की वजह से बॉस व्यापारी के आदमियों से भिड़ जाता है। वे कहते हैं, पर हमने तो पैसे भेज दिए हैं। बॉस चिल्लाता है कि पैसे मेरे अकाउंट में नहीं है, तुम 100 करोड़ का चूना लगाओगे मुझे। ये कहकर वो से लड़ने लगता है। अब व्यापारी के गार्ड्स बॉस को अटैक करने लगते हैं। उनसे बचकर बॉस पेन ड्राइव को एक पेटी में लेकर भाग जाता है और शी उसको चेस करता हुआ बाहर आता है। वहाँ वो टकला गुंडा लिन को उठाकर पटक देता है और इन्हें अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है। इतने में लिन और शी मिलकर उसको अटैक करते हैं। यहाँ साइंटिस्ट जिया और उसका भाई बॉस को चेस करते हैं और एक जगह वो लॉक हो जाता है। फिर तीनों मिलकर उसको खूब पीटते हैं। टकला गुंडा शी और लिन से लड़ रहा होता है और शी हवा में उड़कर बैक शॉट में उसको एक किक मारता है। लिन भी छलांग मारकर अपने दोनों पैरों से उस गुंडे का गला घोंटता है।
है और वह स्पॉट पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब हमेशा की तरह पुलिस रेड में पहुंचती है और बॉस और व्यापारी दोनों की टीम को अरेस्ट करके लेके जाती है। साइंटिस्ट का आविष्कार फिर उसी के पास लौट जाता है और पूरी फैमिली एक हो जाती है। अब इस आविष्कार की रक्षा करने के लिए वो सभी बच्चों को डिनर पार्टी देता है और बच्चों से प्रॉमिस करता है कि अब मैं काम के नाम पर तुम लोगों से अलग नहीं रहूंगा, तुम लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताऊंगा। अगले शॉट में स्कूल का एनुअल डे फंक्शन होता है जिसमें बच्चों को प्राइज दिए जाते हैं और फिर वीरता का पुरस्कार शी और जिया के भाई को दिया जाता है जिन्होंने गुंडों का हिम्मत से सामना किया और पुलिस के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल उन्हें इस बात की शाबाशी देता है कि उन्होंने दूसरे स्टूडेंट को भी मार्शल आर्ट सिखाया। फिर लिन को दिखाते हैं जो नेशनल लेवल टाइकोंडो कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहा है। जिया, शी और उसके साथ ही उसको चीयर कर रहे होते हैं। लिन की शानदार परफॉर्मेंस के कारण वो कॉम्पिटिशन जीत जाता है और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स भी हमारे लिए बेहद जरूरी हैं तो जरूर कीजिए और हाँ साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।